हाय दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश राणा और आज की कहानी उन लोगों के लिए जिन्हें लाइफ में धोखा मिला हुआ। दोस्तों, इसने क्या खूब कहा कि पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी हो या धोखा हमेशा पीछे से ही मिलता है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको सिखाएगी कि अगर आपको लाइफ में धोखा मिला हो तो क्या करना चाहिए। ये कहानी बहुत पहले की है, जहाँ एक राज्य में एक कपल्स रहती थी जिनकी लव स्टोरी की मिसालें लोग दिया करते थे। लोग कहते थे कि प्यार हो तो ऐसा। इस कपल्स के घर के ऊपर एक मशाले हमेशा जलती रहती थी। ये मशाले उनकी प्यार की प्रतीक है और ये हमेशा रात भर जलती रहती थी। एक दिन उस राज्य की राजा और रानी अपने महल की छत पर से गांव की तरफ निहार रहे थे, तो उनकी नज़र उस व्यापारी की छत पर पड़ी, जहाँ पे एक मशाले जल रही होती है। और मशाल को देख राजा और रानी में बात होती है कि लोग कहते हैं कि प्यार होते इनके जैसा, ये प्यार और शादी इतनी सक्सेसफुल कैसे चल रहा है। रानी ने कहा, सारा जो साथ है वो पत्नी दे रहा है, इसीलिए इनका रिश्ता इतना मजबूत है। ये सुनने के बाद राजा ने कहा, ऐसा नहीं है, पति बहुत समझदार है और उसे पता है कि फैमिली को कैसे बैलेंस करके चलना है, और इसीलिए इनका रिश्ता इतना मजबूत है। दोनों बहस करने लगे। फिर राजा ने कहा, ऐसा बहस ना करके एक परीक्षा रखते हैं और पता करेंगे कि दोनों के बीच प्यार है या नहीं। इसके बाद दोनों ने मिलके एक तरकीब निकाली। रानी ने अपने दासी को भेजा उस व्यापारी के पास, और दासी कहते हैं कि रानी ने मुझे आपके पास भेजा है एक संदेशा देने के लिए, पर मुझे ये बोलने में अजीब लग रहा है। व्यापारी ने बोला, बोलिए बेझिझक होके। तो दासी ने कहा कि रानी ने कहा कि अगर आप अपनी पत्नी की हत्या कर देती हैं तो रानी आपसे शादी कर लेगी। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा कि रानी को मेरी तरफ से ये संदेशा दे देना कि, और उनसे कहना कि हजारों रानियां भी आएंगी तब भी मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता, जिंदगी में अंत तक उसका साथ देता रहूँगा। ये संदेश लेकर दासी रानी के पास आई, रानी को सारी बात बता दी। और अब बारी था राजा की, और राजा ने अपने एक सैनिक को भेजा और उस व्यापारी के पति को कहा कि, और राजा ने संदेशा भेजा है और वो कह रहे हैं कि अगर आप अपने पति की हत्या कर देती हैं तो राजा आपसे विवाह कर लेंगे और आपको हमारे राज्य की महारानी बनाएंगे। व्यापारी की पत्नी कहा कि आज रात में हमारे घर पर जो मसाले जल रही होती है वो बुझ जाएगी, और जब वो बुझ जाएगी तो समझ लेना कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है। सैनिक ये समाचार राजा को देते हैं और राजा चौंक जाता है, और राजा अपने कुछ सैनिक उनके घर के पास खड़ा कर देते हैं बचाव के लिए, ताकि उन्हें मालूम ना चले। और जैसे ही वो मसाले बुझे, आप लोग को उस व्यापारी को बचाना है। फिर रात में राजा और रानी छत पर उस व्यापारी की छत की मशाल की तरफ देख रहे होते हैं, और उसी वक्त मशाले बुझ जाती है। और रात के 3-4 बजे मशाले बुझ गई, पत्नी ने व्यापारी की हत्या कर दी। और जैसे ही मशाले बुझी, सैनिक दौड़ कर व्यापारी के घर में गए और देखा कि व्यापारी की हत्या हो चुकी है और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। राजा को बहुत गुस्सा आ रहा था और उस रात राजा को नींद नहीं आई। राजा को गुस्सा आ रहा था महिलाओं पर और सभी नारी से नफरत हो रही थी। राजा ने अपने राज्य के मंत्री को बुलाया और कहा कि मैं नगर भ्रमण के लिए जा रहा हूँ और आने के बाद मुझे अपने नगर की सारी महिला का गला कटवा दो या सूली पर चढ़ा दो। राजा तो चले गए, पर मंत्री परेशानी में फंस गए। ये कैसा आदेश राजा ने दे दिया, उन्हें महिला पर नफरत हो गई। मंत्री को कुछ नहीं सूझ रहा था, तो मंत्री ने अपने बूढ़े पिता से मिला, जो एक वक्त में इस राज्य का मंत्री हुआ करता था, और अपने बूढ़े पिता को सारी बातें बताई कि राजा पागल हो चुका है। वो कह रहे हैं कि सारी महिला को मार दो, उन्हें नारी जाति से नफरत हो गई है। बूढ़े पिता ने अपने बेटे से कहा, जो मंत्री था उस राज्य का, उसे कहते हैं कि तुम कुछ दिनों के लिए कहीं चले जाओ, मैं संभाल लूँगा।
और इसके दूसरे दिन राजा वापस आया और देखा कि महिला घूम रही है। फिर राजा गुस्से में लाल मंत्री को महल और फिर मंत्री के घर में ढूंढा, पर घर में मंत्री नहीं मिला, उसके बूढ़े पिता मिला। और बूढ़े पिता जो कभी मंत्री था उस राज्य का, राजा ने कहा आपका बेटा कहाँ है? उसने मेरी कहना नहीं माना, इसीलिए उसका गला सबसे पहले काटूंगा, मुझे उससे नफरत हो गई है। मंत्री ने कहा मुझे पता है कि आप परेशान क्यों हैं, आपके कारण एक व्यापारी की मौत हो गई, आपको इस महिला के धोखे ने आपको सारी महिला के ऊपर नफरत हो गई है। राजा आपके ये आदेश माना जाए उससे पहले मेरी कहानी सुन लीजिए, फिर आपको जो करना है कर लेना। और उस मंत्री के बूढ़े पिता जो एक वक्त में उस राज्य के मंत्री थे उसने कहानी सुनाई, तो राजा ने कहा सुनाइए जल्दी से। राजा साहब एक बार मैं शिकार के लिए जंगल में गया हुआ था, तो अचानक से एक घोड़े में सवार डाकू ने मुझे रस्सी से बांधकर कब्रिस्तान में लेके गया, तो मुझे लगा कि मेरा जिंदगी का यही लास्ट दिन है। मैंने बहुत कोशिश की भागने की, पर मैं भाग नहीं पाया, वो बहुत ताकतवर था। एक कब्रिस्तान के कब्र के साइड में मुझे दो गड्ढा खोदने को कहा, वो भी मेरे साथ खोदने लगी। मुझे यकीन हो गया कि एक में तो मुझे दफनाया जाएगा, दूसरे का तो मुझे पता नहीं। उस डाकू ने कहीं से एक सरकटी लाश को लेके आया, और डाकू ने मुझसे कहा सुनो इसे दफनाना है, और मुझे यकीन हो गया कि पहले गड्ढे में मुझे दफनाया जाएगा, क्योंकि दूसरे गड्ढे में उस सरकटी लाश को दफनाया था। और फिर डाकू ने अपने मुंह से जब कपड़ा हटाया तो मैं देख के अचंभाचकित हो गया कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। मैंने देखा कि वो बहुत खूबसूरत कन्या थी, और मुझसे कहा कि घबराओ मत, मुझे पता है कि तुम इस राज्य की मंत्री हो, और तुम राजा को ये संदेश दे देना कि उनके एक राजकुमार ने मेरी खुशहाल भरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है और मेरी पति की हत्या कर दी सिर्फ मुझे पाने के लिए। जो पहली वाली कब्र हमने खोदी है इसके साइड में मेरी पति की लाश है, और वो बोलती रहे कि मेरे पति के लिए हजारों राजा को मारना पड़े तो भी मैं मारूंगा, पर मेरे पति के सिवा किसी को नहीं चाहूंगा, और बोलती रहे कि ये जिंदगी ख़त्म कर दूंगी, आजीवन हम एक दूसरे के रहेंगे, और मेरे मरने के बाद इस कब्र में मुझे दफना देना, ये कहकर अपना गला खुद काट कर जान दे देती है। राजा साहेब उस दिन मुझे पता चला कि सच्चा प्यार क्या होता है। उस महिला ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी अपने पति के लिए, जो इस दुनिया में थे ही नहीं। राजा इस महिला ने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार क्या होता है। राजा अब परेशान है कि उस व्यापारी की पत्नी ने अपनी पत्नी को धोखा दिया और मार डाला, पर अब इस महिला के बारे में सोचिए जिसने अपने पति के लिए अपनी जान दे दी। सिर्फ एक महिला के धोखेबाजी के लिए आप सारी महिला को मारना चाहते हैं? और फिर राजा ये कहानी सुन इमोशनल हो गया, और फिर उसे समझ में आ गया। दोस्तों कहानी बहुत छोटी हो सकती है, पर हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें कभी ना कभी धोखा मिला होता है, हम अंदर से टूट जाते हैं, हमें लगता है कि लड़कियां खराब है, कभी हमें लगता है कि लड़के खराब हैं। दोस्तों किसी एक इंसान के लिए जिसने आपको धोखा दिया है बाकी को भी एक तराजू में तुलना बंद कर दीजिए। दोस्तों ज़िंदगी में एक बात याद रख लीजिए कि इस दुनिया में अगर बुरे लोग भी हैं तो अच्छे लोग भी हैं। दोस्तों तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल सुनो दिल की मोटिवेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करना, इससे आगे आने वाली वीडियो को आप देख पाओगे।